सिक्स्थ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। सैटरडे को हमने पॉजिटिव हेल्थ है उस चैप्टर में जो किस प्रकार से हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में बताया कि डेवलपिंग नेशंस हैं, हमारे यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसलिए हमारे जो जितने प्रोविजंस होते हैं उनको हमें मेडिकल फैसिलिटीज पर ज्यादा नहीं खराब करना है। उसके बाद में बताया कि बच्चों को जो अच्छी फूड की जो वैल्यू है वो बतानी चाहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी भी इन चीजों से सीखे, और किस प्रकार से जो जंगली जानवर है वो अपने पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर लेते हैं, किस प्रकार साल किस प्रकार से वो प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने ईटिंग बिहेवियर में थोड़ा हमारा जो खान पान का व्यवहार है कि हमें किस प्रकार खान पान करना चाहिए उसके बारे में शुरुआत में हमने देखा कि बात बताई गई है कि हम जो हमारा जो बॉडी के सिग्नल्स हैं यानी उनको हमने समझना थोड़ा फील करना बंद कर दिया है और हम क्या गलती कर बैठते हैं उसके बारे में है कि जो ईटिंग बिहेवियर में फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें थर्ड लाइन है वहां से हम पढ़ेंगे कि जो ओवर जेलस यानी ज्यादा ही जागरूक माता पिता होते हैं, अति उत्साही जो ज्यादा उत्साह के साथ काम में लेते हैं वो किस प्रकार से बच्चों का जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, कि जो फीडिंग टाइम नहीं हो, फीडिंग टाइम हो गया है कि डॉक्टर ने कहा है कि इतने बजे खाना खिलाना है, भूख नहीं है तो भी जबरदस्ती खिला देते हैं क्योंकि वो जागरूक है, लेकिन इसके कारण भी लॉस होता है क्योंकि बच्चे को तो भूख ही नहीं और आप उसको जबरदस्ती खिला रहे हो, या फिर आपने किसी बुक में पढ़ लिया है कि इतने बजे बच्चों को इतना खाना खिलाना चाहिए, इतनी मात्रा में खिलाना चाहिए, अगर उसको भूख ही नहीं है तो जब भूख ही नहीं है तो वो खाएगा तो जो है हेल्थ है उसके ऊपर साइड इफेक्ट गलत इफेक्ट ही पड़ेगा। अब हम आज पढ़ेंगे जो ओवर जेलस माता पिता है वो किस प्रकार से बच्चों के साथ गलत करते हैं, और उसके बाद में बॉडी सिग्नल्स का फेल हो जाते हैं उनके ऊपर। तो लिखा है समटाइम्स कभी कभार ओवर जेलस, ओवर जेलस का मतलब अति उत्साह, जो ज्यादा उत्साह से भरे हुए होते हैं कि हम अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम उनकी केयर करते हैं। ओवर जेलस पेरेंट्स जो अति उत्साही माता पिता होते हैं, ओवर जेलस यानी अति उत्साही पेरेंट्स फोर्स, फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, किनके ऊपर दबाव डालते हैं, इन्फेंट्स, इन्फेंट्स का मतलब जो शिशु होते हैं, एंड स्मॉल चिल्ड्रन और जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु यानी जो गोद में खेलते हैं, हमारे गोद में है चल नहीं पाते हैं, और जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं उनको फोर्स करते हैं टू ईट खाने के लिए, क्योंकि अति उत्साही है वो बताना चाहते हैं कि हम अपना हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो बच्चों को क्या करते हैं फोर्स करते हैं कि देख तेरे खाने का समय हो गया है, यानी वो उनके ऊपर दबाव डालते हैं, इन्फेंट्स पर ओवर जेलस। अति उत्साही इन्फेंट्स यानी शिशु और फोर्स यानी दबाव डालते हैं। तो ओवरजेलस जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्फेंट्स पर और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनको क्या करते हैं फोर्स करते हैं, दबाव डालते हैं, किसके लिए टू ईट खाने के लिए। ये अति उत्साह माता पिता की एक गलती बता रहे हैं, बिकॉज क्यों फोर्स करते हैं क्योंकि इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि अब ये खाने का समय हो गया है, फीडिंग यानी फीडिंग टाइम यानी खाने का जो समय है वो समय हो गया है इसलिए वो उनको फोर्स करते हैं। अब होता क्या है, रियलिटी होती है कि नॉट बिकॉज इसलिए नहीं दे आर हंग्री कि वो बच्चे भूखे हैं, जो शिशु है छोटे बच्चे हैं वो भूखे हैं इसलिए वो खाना नहीं खिलाते, वो इसलिए खाना खिलाते हैं कि हाँ डॉक्टर ने कहा था, एक बुक में लिखा हुआ कि बच्चे को इतने बजे खाना खिला देना चाहिए, इसलिए
खाने का समय हो गया है, बाकी बच्चों को भूख नहीं है, तो क्या होता है? नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि क्योंकि वो भूखे हैं, भूख से उन्हें कोई मतलब नहीं, और जल्द माता जो पेरेंट्स हैं उनको, और चिल्ड्रन में भी फेड मोर, बच्चों को फेड मोर यानी फीड की सेकंड फॉर्म ज्यादा खिला दिया जाता है। क्यों? बच्चों को ऊपर जोर डाला जाता है, उनको ज्यादा खिला दिया जाता है, देन देयर बॉडीज डिमांड, जितनी उनकी बॉडी को डिमांड होती है, जितनी बॉडी को बॉडी में भूख है उससे भी ज्यादा खिला दिया जाता है, और नीड और जितनी आवश्यकता उससे भी ज्यादा खिला देते हैं। क्यों ज्यादा खिलाने का कार्य? क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इतनी कैलोरी व्यक्ति को मिलनी चाहिए बच्चे को, तो जबरदस्ती उसको खिलाया जा रहा है। बिकॉज खिलाने का कारण बता रहे हैं, क्योंकि सम बुक डिक्टेट्स, कुछ जो बुक्स हैं, माता पिता शिक्षित हैं, अति उत्साही माता पिता हैं, तो किताबों की सहायता से उसमें लिखा हुआ है कि कुछ किताबें निर्देश देती, डिक्टेट्स का मतलब क्या होता है? निर्देश देना, संकेत देना, हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक छोटे बच्चे को, एक छोटे शिशु को कितनी मात्रा में खाना खिलाना चाहिए। एक बुक ले ली है माता पिता ने, कई सारी बुक्स आती जिनमें बताया हुआ हो कि एक छोटे बच्चे के इतनी कैलोरी होनी चाहिए, ये उसको खिलाना चाहिए, यानी उस बुक को पढ़कर उन्होंने अपने बच्चे को भी उतनी ही मात्रा में खिला दिया। अब बच्चे को उतनी भूख नहीं है, अब जब जितनी भूख नहीं है उससे ज्यादा जब खिला दिया जा रहा है, तो बच्चे के जो बॉडी सिग्नल होते हैं वो स्टिम्युलेट नहीं होंगे, उत्तेजित नहीं होंगे, संकेत नहीं देंगे, फिर धीरे धीरे मोटापा आएगा, मोटापे में पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, बॉडी का खुद का हमें पता नहीं रहता, क्योंकि पहले भी पता है कि बॉडी सिग्नल देती है, यानी बॉडी से संकेत मिलते हैं कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम हमारा जो खान पान है वो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो जो स्टिम्युलेट जो सिग्नल्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। सम बुक्स डिक्टेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर, कि कुछ बुक्स ऐसी होती है जो संकेत देती है कि एक बच्चे को कितनी मात्रा में खाना खिलाना चाहिए। एज ए रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या निकलता है, जब ज्यादा खिला दिया जाता है बच्चे को तो उसका परिणाम क्या निकलता है उसके बारे में है। चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े तो हो जाएंगे, किस प्रकार से? इग्नोरिंग, इग्नोर करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, जो महत्वपूर्ण हमें बॉडी से संकेत मिलते हैं उनको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो सर सिग्नल मिलने बंद ही हो जाएंगे ज्यादा खाने से। अंटिल, और अंत में क्या होता है? फाइनली दीज सिग्नल्स बिकम वीक, आखिरकार अंत में, फाइनली यानी आखिरकार अंत में ये जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एकदम कमजोर हो जाते हैं, एंड फेल, और असफल हो जाते हैं, इसमें टू स्टिम्युलेट नॉर्मली, सामान्यतः रूप से जो बॉडी उत्तेजित होती है, जिनसे हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी को ये रिक्वायरमेंट है, वो धीरे धीरे सब सिग्नल्स स्टिम्युलेट होना बंद हो जाते हैं। ये समझ में आया होगा, वापस बता रहा हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन बनता है। ओवर जेलस माता पिता का बिहेवियर क्या होता है, ईटिंग बिहेवियर बच्चों के प्रति, कि बच्चों को जो फीड करवाने का समय है उसके बारे में वो क्या गलती कर बैठते हैं। बच्चों का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन हम जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों का उससे ज्यादा हम खिलाएंगे तो गड़बड़ होने वाली ही। तो पैराग्राफ हम शुरुआत से पढ़ेंगे, जो कल भी पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया था हमने, कि हम मानव जो लोग हैं वो बॉडी की जो लॉस्ट एबिलिटी जो है, बॉडी हमारी बॉडी में जो रख रखाव करने की, मॉनिटर करने की है, उस एबिलिटी को हम लॉस्ट कर चुके हैं, और इस प्रकार हम अपने नॉर्मल मेंटेन नहीं कर पाते हैं हेल्थ को। फिर लिखा हुआ है कि हम अपने बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको रिफ्यूज कर देते हैं समझने के लिए, और हम किसका कहना मानते हैं? डॉक्टर्स का, और जो मीडिया में आता है उस बात को हम मान लेते हैं। अब ओवर जेलस जो माता पिता हैं उनका क्या बिहेवियर है बच्चों के प्रति, वो क्या करते हैं कि बच्चों को खाना क्यों खिलाते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय हो गया इसलिए खाना खिलाते, इसलिए नहीं वो भूखे हैं। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं। फिर क्या बताया हुआ है कि बच्चों को ज्यादा खिला दिया जाएगा जितनी उनकी बॉडी की डिमांड, मांग है, जितनी नीड आवश्यकता है उससे। क्यों?
क्योंकि कुछ किताबें पढ़ ली थी माता पिता ने कि इसमें बच्चों को इतनी कैलोरी मात्रा इतनी मात्रा में कैलोरी मिलनी चाहिए और उतना ही उन्होंने खिला दिया। तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि जो बच्चे हैं वो ग्रो अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्या इग्नोर करते हुए, जो इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल्स हैं उनको इग्नोर करते हुए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और आखिरकार में क्या होगा कि आखिरकार में जो बॉडी के सिग्नल है वो एकदम वीक हो जाएंगे और बॉडी जो है उत्तेजित स्टिमुलेट होना जो संकेत देना वो चीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, असफल हो जाएगी। अब क्या है, अब आगे की जो लाइनें हैं इनमें बताया गया कि लोग, कुछ लोग तो होते हैं ज्यादा खाते हैं कि हमें तो मोटा होना है हम तो पतले हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो पतले होना चाहते हैं। अब उनमें क्या गलती कर बैठते हैं, देखो पीपल लोग देन आइदर ईट फार टू मच, कि लोग या तो टू मच यानी बहुत ज्यादा खा लेते हैं और टू लिटिल या फिर बहुत ही कम खाते हैं। तो ज्यादा खाते हैं वो तो जो पुरुष हैं उनके बारे में संकेत देना चाह रहे हैं, लेकिन जो कम खाते हैं उनके लिए ब्रैकेट में लिख रखा है कि कम कौन खाते हैं। एज इन द केस ऑफ, सामान्यतः किन के मामलों में, कौन से केस में, सम यंग फिगर, कि जो कुछ जवान फिगर वाली जो कौन है, कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब जागरूक चिंतित, अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए कुछ गर्ल्स दिखा है, जो लड़कियां होती है वो अपने शरीर को सही मेंटेन करने में कि हम मोटे ना हो जाएं, इससे बचने के लिए क्या करती है कि वो जितने भूख होती है उससे भी दो टिकम ही खाएगी क्योंकि उन्हें पतला होना है। तो या तो लोग ज्यादा खाएंगे या फिर क्या करेंगे, कम खाएंगे। अब ज्यादा खा लिया उसका भी नुकसान और कम खाया उसका भी नुकसान, दोनों का नुकसान, नुकसान होने वाले, जितनी आवश्यकता है उतनी ही खानी चाहिए। ये हमें प्रेरणा किससे लेनी चाहिए, जानवरों से, जितनी आवश्यकता होती जितनी नीड होती उतनी खाते हैं वो। तो पीपल देन आइदर ईट फार टू मच, या तो लोग ज्यादा खा लेंगे और टू लिटिल या फिर कम खाएंगे। कम कौन खाते हैं, उदाहरण के लिए बताया है कि कुछ जवान लड़कियां जो अपने शरीर के प्रति चिंतित रहती है वो क्या करती है कि हमें मोटा नहीं दिखना है इसलिए वो कम खाती है। एंड फेल, और इस प्रकार इसमें असफल हो जाती है, टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट, प्रेसाइज का मतलब होता है उचित अमाउंट का मतलब होता है मात्रा ऑफ फूड, भोजन की, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो उनकी बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होती है। यानी कि कुछ तो ज्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं। अब इसका नुकसान क्या हुआ, फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड, कि जितनी उचित मात्रा बॉडी को रिक्वायरमेंट है भोजन की उसमें वो क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अब देखो लास्ट में बताया कि हम किस प्रकार गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकेंगे। हाउएवर, हालांकि इफ वी चेंज अवर एटीट्यूड, अगर हम हमारे एटीट्यूड को, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण, कि या तो हम अपने व्यवहार दृष्टिकोण को चेंज कर दें एंड लर्न, और क्या सीखें, टू ट्रस्ट, विश्वास करना इसके ऊपर, और ऑन बॉडी सिग्नल्स, हमारे स्वयं के बॉडी के सिग्नल पर, संकेतों पर हमें क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से, कि बचपन से ही हमें अपने जो बॉडी के सिग्नल्स हैं उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बॉडी आपकी है, आपको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। We can have proper nourishment in the correct amount. Nourishment का मतलब जो पोषण है, कि हमें proper यानी उचित मात्रा में पोषण की मात्रा लेनी चाहिए, उचित सही मात्रा लेनी चाहिए। अगर हम पोषण की सही मात्रा लेंगे and thus इस प्रकार enjoy good health, हम किसको health enjoy कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को हम enjoy कर सकते हैं। तो यहाँ इस paragraph में जो हमारा eating behavior है, खानपान का जो व्यवहार है, उसके बारे में बताया गया है लगभग कि किस प्रकार हमारा खान पान का जो व्यवहार है वो होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई होगी, मैं एक बार फिर उन्हें, कुछ प्रश्न है जिनके हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि जो बॉडी सिग्नल है उनको हम फॉलो ना करके हम किनको फॉलो करते हैं, आंसर मिल जाएगा, किस किनको फॉलो करते हैं, मीडिया और डॉक्टर्स को फॉलो किसको करना चाहिए, हमें हमारी बॉडी सिग्नल्स को। हम गलती क्या करते हैं, हम मीडिया और डॉक्टर्स को फॉलो करते हैं।
फिर अगला प्रश्न है कि जो ओवर जेलस पेरेंट्स होते हैं वो क्या गलती कर बैठते हैं। तो ओवर जेलस जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को फीडिंग टाइम होते ही खाना खिला देते हैं, इसलिए नहीं बिकॉज दे आर हंग्री, कि वो इसलिए नहीं कि वो भूखे हैं, इसलिए कि अब क्या हो गया है, फीडिंग टाइम हो गया है। फिर दूसरी गलती क्या कर बैठते हैं कि वो बच्चों को क्या करते हैं, जितनी बॉडी को नीड या डिमांड होती है उससे ज्यादा ही खिला देते हैं। क्यों खिलाते हैं, कहां से सीखते हैं ये बात, वो ये बात सीखते हैं कुछ किताबों से जो उनके पास में पड़ी है कि अगर 6 साल का बच्चा है तो उसको इतनी मात्रा में भोजन मिलना चाहिए तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। अब उस किताब की मान ली हमने और हमने उसके अकॉर्डिंग खिला दिया, अब बच्चे को भूख ही नहीं है, जबरदस्ती खिलाएंगे तो इससे नुकसान क्या होगा, जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे और बॉडी जो है नॉर्मली रूप से स्टिमुलेट नहीं होगी। समझ में आई होगी बात। फिर लोग खाने में क्या गलती कर बैठते हैं, जो यंग गर्ल्स है वो ईट टू लिटिल बहुत कम खाती, और इसलिए अपने क्योंकि वो अपने शरीर के प्रति चिंतित होती कि मैं मोटी दिखूंगी, और कुछ लोग क्या करते हैं टू मच बहुत ज्यादा खाते हैं। हम हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती उतना ही हमें खाना खाना चाहिए। फिर लास्ट में बताया है कि हमें किसको ट्रस्ट करना चाहिए, हमें हमारे बॉडी के जो सिग्नल्स है उनको ट्रस्ट करना चाहिए, कब से, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, और उसके बाद हमें कौन कैसा भोजन लेना चाहिए जो नरिशमेंट वाला यानी पोषण वाला जो भोजन है वो हमें करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी। अब अगला जो पैराग्राफ है जो हेडिंग दे रखी है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षा एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारी उत्तरदायित्व, कि हम क्या तो एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से और क्या हमारी जिम्मेदारियां बनती है उसके बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताया गया है, आशाओं के बारे में। एक्सपेक्टेशन का मतलब आशाएं, अपेक्षाएं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मान लेते हैं 10th 12th पास कर ली, तो कुछ माता पिता होते हैं वो अगर हम बात करें मूवी के थ्रू देखना चाहें तो 3 इडियट्स, कि माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा इस चीज में जाए, इस फील्ड में जाए, बेटा या बेटी जो भी है, कि इस फील्ड में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और कुछ करे, यानी उनकी जो आशाएं है वो अपनी है। अब वो क्या करते हैं बच्चों पर प्रेशर डाल देते हैं, तू तो ये बनेगा बड़ा होगा, उनको शुरुआत में ही उस लाइन में डाल दिया गया है। अब ये बच्चे के दिमाग पर प्रेशर आएगा कि अगर मैं नहीं कर पाया तो, यानी कि नेगेटिविटी आ गई तो बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, और फिर वो जब जितना काम नहीं कर पाते हैं अपने घर वालों की इच्छाओं पर उतर नहीं पाते हैं, जो अपेक्षाएं आशाएं उन्होंने की है उन पर जब खरे नहीं उतरते हैं तो वो एक अलग ही रास्ता पकड़ लेते हैं, कौन सा, ड्रग डिपेंडेंस वाला, यानी वो नशा करना शुरू कर देंगे, कि घर वालों की आशाओं पर, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि सुसाइड कर लिया लड़के ने, 3 साल की उम्र के बच्चे ने, यानी कि वो सुसाइड क्यों होते हैं, वो लगभग जो सुसाइड है वो केवल और केवल पढ़ाई का जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण वो सुसाइड होते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें अभी आगे कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज आती है, क्या आती है कि हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, इतने रुपए लगा रहे हैं हम उस चीज पर खरे नहीं उतर पा रहे। तो यहाँ पर माता पिता की भी गलती है कि वो बच्चों से बात नहीं करते, हमें उनसे बात करनी चाहिए माता पिताओं को कि देखो कोई बात नहीं है, आप अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन फिर भी कुछ माता पिता होते हैं या बच्चे होते हैं वो अपने मन में ही कुंठा करके बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो मैंने बहुत गलत किया, और फिर वो सुसाइड करते हैं, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि जो आत्महत्या है वो किसी भी चीज का क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये लगभग जो गलतियां हैं वो दोनों तरफ से होती है, कुछ माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं यानी उन्होंने प्रेशर डाल दिया करना ही पड़ेगा, और कुछ बच्चे ज्यादा सोच लेते हैं कि ऐसा नहीं करूंगा तो पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इतना सोचेंगे और फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी कर बैठते हैं, जो कि एकदम क्या है, गलत चीज है, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में छोड़ना चाहिए, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं एक दिन जरूर सफल होंगे, इस प्रकार का हमारे पास में विचार होना चाहिए। तो यहाँ पर जो
राइटर है वो क्या कह रही है, क्या बता रही है। बाय इंस्टिंक्ट यानी माता पिता की एक सहज प्रवृत्ति होती है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, जो माँ होती है जो पिता होते हैं वो सेम अपने बच्चों के लिए सही हमेशा ही उनकी सहज प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? मोस्ट पेरेंट्स की ज्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं माता पिता होते हैं लव प्रेम करते हैं एंड केयर और क्या करते हैं देखभाल करते हैं इसकी फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों की। ये एक सहज प्रवृत्ति है, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, ये फिर भी प्रेम करते हैं वो बात बढ़िया है, लेकिन फिर भी वेरी ओपन ज्यादातर तौर पर ज्यादातर ऊपर देयर एक्सपेक्टेशंस जो माता पिता की अपेक्षाएं होती है एंड एम्बिशंस, एम्बिशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, क्या महत्वाकांक्षा है क्या बनना है बनेगा हमारा बच्चा, पुट टू मच प्रेशर। ये दो चीजें कौन कौन सी, एक तो एक्सपेक्टेशंस और दूसरी चीज है जो एम्बिशंस, वो क्या करते हैं पुट टू मच प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं, दबाव डाल देते हैं किसके ऊपर, ऑन द चिल्ड्रन बच्चों के ऊपर, बच्चे उस दबाव पर आ जाते हैं। पिताजी जितनी बार फोन करते हैं कैसी पढ़ाई चल रही है, इतना पूछा अब की बार तो नंबर आना ही चाहिए, ये नहीं पूछा कि भाई कोई समस्या तो नहीं है, कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू अपनी तरफ से पढ़ाई कर जो रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, तू अपनी मेहनत जारी रख, इस प्रकार नहीं, डायरेक्ट अब की बार तो नंबर आ ही जाएगा पक्का। इतना जब माता पिता ने बोल दिया तो बच्चे के ऊपर क्या आएगा, प्रेशर आएगा कि अगर नंबर ना आया तो जब इस प्रकार से तो लगा दिया तो लगाते ही टेंशन। इसलिए माता पिताओं को बच्चों से निरंतर रूप से बात करनी चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनको उनकी आवश्यकता पूछनी चाहिए कि भाई किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जब हम फ्रेंड के जरिए रहेंगे बच्चों के साथ में तो मुमकिन है कि बच्चे भी अपनी हर समस्या बताएंगे, और जब समस्या बता देंगे तो हमारे पास जो माता पिता है उनके पास में सोल्यूशन है, बिल्कुल रूप से सोल्यूशन होगा। तो क्या होता है कि माता पिता की दो चीजें बच्चों पर प्रेशर डालती है, कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो जो है एक्सपेक्टेशंस और दूसरा है एम्बिशंस, ये किसके ऊपर प्रेशर डालती है, बच्चों के ऊपर। व्हेन चिल्ड्रन, अब जब उन्होंने महत्वाकांक्षाएं दिखाई अपेक्षाएं दिखाई तो जब उन अपेक्षाओं तक वो नहीं पहुंच पाते, लिखा व्हेन चिल्ड्रन जब बच्चे कैन नॉट रीच नहीं पहुंच पाते हैं, कहां पर द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता का लेवल है, जो माता पिता ने जो एक इस तरह लेवल बनाया था कि यहां तक तो पहुंच ही जाएगा, जब उस तक नहीं पहुंच पाते हैं पेरेंट्स एम्बिशंस जो महत्वाकांक्षाओं का जो लेवल है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं दे कैन सफर, तो बच्चे हैं वो किससे पीड़ित होंगे, फ्रॉम पेन डेमिनस, ये पहले भी आया हुआ है, अत्यधिक फ्रस्ट्रेशन से सफर होंगे, पीड़ित होंगे। फ्रस्ट्रेशन का मतलब कुंठा एंड स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब तनाव, कि बच्चे फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, बच्चे मन में सोचेंगे कि देखो ये पिताजी ने कहा था ये बनना है, आज मैं फेल हो गया, यानी कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उनको टेंशन होने लग जाएगी, तो इसका वो इलाज क्या करेंगे। दिस में यही बात लीड ले जाएगी, लीड यानी ले जाना टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब जो दवाइयां हैं जो नशे की चीजें हैं उनका एक्सपेरिमेंट करेंगे, उनका प्रयोग करने लग जाएंगे, टेंशन से हल करना है तो फिर कहेंगे कि ले तू ड्रग ले ले, नशीली दवाइयां ले ले, हमेशा नशे में रहेगा तो बात ही नहीं आएगी दिमाग में, जो कि एकदम गलत है। एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य इनसे संबंधित वो व्यवहार करने लग जाएंगे बच्चे, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग, किसके रूप में अवॉइड या नजरअंदाज करने के रूप में द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, जो स्थिति जो चल रही है सिचुएशन है ना, स्थिति रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता, कि जो स्थिति है उस स्थिति की वास्तविकता से बचने के लिए वो कुछ ड्रग एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर इनसे संबंधित कोई और जैसे ड्रिंकिंग वगैरह या कुछ अलग ऐसे करना शुरू कर देंगे, तो ये माता पिता की गलती है। फिर माता पिता की क्या ड्यूटी बनती है इस जगह पर, वो अगले पैराग्राफ में बताई गई है जो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।